सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब फिट होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सीआरपीएफ एएस टर्नों के। दोस्तों स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और आज से दोस्तों पहला दिन है, यानी कि 18/12/2023 से दोस्तों हमारे स्टार्ट हो रहे हैं सीआरपीएफ एएसआई टर्नों के स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद दोस्तों फर्दर मेडिकल का प्रोसेस होना है। जैसे आपको बताया कि सब प्रोसेस एक साथ ही चल रहा है। दोस्तों आज से होने वाले हैं स्टार्ट, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट मोमेंट है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्या क्या सामान लेके जाना है दोस्तों उसके बारे में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे और ये कमेंट थे कि सर हम पास हो गए हैं, आपकी टीम बहुत हेल्पफुल मिली मेरे को, हमें बहुत मोटिवेशन मिला। दोस्तों मुझको बहुत खुशी मिलती है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि फाइनली आप पास हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों नौकरी लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आज के ज़माने में, और ये जो मौका है अगर छूट गया तो पता नहीं फिर दोबारा कब मौका मिले सीआरपीएफ के अंदर। क्योंकि दोस्तों बाकी यदि आप सीआरपीएफ की बात करें तो मेरिट काफ़ी हाई जाती है, थोड़ा टक्कर रहती है, लेकिन इसकी मेरिट थोड़ी कम जाती है। और जो काफ़ी जो जने हैं जिनकी टाइपिंग क्लियर हुई है दोस्तों, वो काफ़ी चांसेस हैं उनके कि वो भर्ती हो जाएं इस बार सीआरपीएफ एससीएम के अंदर। दोस्तों काफ़ी खुशी मिलती है आपके कमेंट देख के, तो प्लीज़ जिसने कमेंट नहीं किया है वो बताएं उनकी टाइपिंग क्लियर हो गई है, कैसा उसको महसूस हुआ है, जब का फिजिकल हुआ है, का पीएचटी हुआ है, यानी कि डीवी डॉक्यूमेंटेशन ये सब प्रोसेस हुआ है, मेडिकल हुआ है, और फाइनली अब आप अपना कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आज जा रहा है अपना स्किल टेस्ट देने के लिए, या जिसका फर्दर आगे होने वाला है अपना स्टैनो का स्किल टेस्ट, दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर अपने लेके जाने हैं, बिल्कुल भी कुछ चीज़ भूलनी नहीं है। नहीं तो दोस्तों कई जो है कैंडिडेट के सेंटर बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो वहाँ से उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठंडा दोस्तों वैसे ही इतना ज़्यादा है तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरे लेके जाने हैं, बढ़िया से एक फाइल बनाकर अपने 10+2 की मार्कशीट, पासिंग और सर्टिफिकेट, अपना एडमिट कार्ड, दोस्तों ये सब चीज़ें, अपना हिल का सर्टिफिकेट यदि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, अपना कास्ट का सर्टिफिकेट, इसके बाद दोस्तों डोमोसिल पक जरूर लेके जाना है, डोमोसिल भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपने जो भी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी है वो सब कुछ लेके जाना है, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फोटो लेके जानी है दोस्तों, और ये सब चीज़ें एक फाइल में रखें, और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उसके एक या दो सेट फोटो कॉपी भी दोस्तों करके ले जा लें, क्योंकि वहाँ दोस्तों फिर दिक्कत होती है, जो कुछ आपके पास यहाँ पे होगा दोस्तों वो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जो भी जा रहा है आज अपना स्किल टेस्ट देने के लिए, मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी फौज चंदोरा डिफेंस सिल्वर पे दोस्तों मेरे को मैसेज करें और अपना रिव्यू बताएं कि क्या क्या सिस्टम वहाँ पे चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ताकि दोस्तों हम वीडियो बना के आगे लेके आएँ जो बच्चों जिनका स्किल टेस्ट होने वाला है फर्दर आगे, जो इनका टेस्ट होगा उनके लिए दोस्तों हेल्प मिल सके और छोटी छोटी मिस्टेक वो ना करें। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों बच्चे सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ही बाहर होते हैं, वरना दोस्तों सब अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से करके जाते हैं, लेकिन छोटी मिस्टेक ना हो। वो मिस्टेक्स तभी नहीं होती है जब हमें जो है की मोमेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाए कि वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि दोस्तों पीछे जो इनका भी टेस्ट है वो बच्चे वो गलतियाँ ना करें। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिसका भी पेपर है वो जरूर मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आज जो भी बच्चा अपने एग्जाम देने के लिए जा रहा है। इसके बाद दोस्तों पीएचटी रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दोस्तों हाइट चेस्ट वेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं पीएचटी में। तो दोस्तों पीएचटी में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट, जैसे आपको पता है कि चाहे हम एससीएम ले लें चाहे दोस्तों एएसआई स्टेनो ले लें, दोनों के लिए दोस्तों हाइट में कोई भी छूट नहीं है। मेल और फीमेल कैंडिडेट के 162.5 यानी कि 162.5 हमको हाइट चाहिए मेल के लिए, और दोस्तों फीमेल के लिए हमको हाइट चाहिए 155। इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं हमारे उत्तराखंड, या फिर दोस्तों मराठास, या फिर डोगरा, इन सबसे दोस्तों बिलोंग करते हैं आप, दोस्तों आपकी हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5, दोस्तों फीमेल के लिए चाहिए आपको 150 हाइट। लेकिन दोस्तों इसके पास आपके पास होना चाहिए हिली एरिया का सर्टिफिकेट, दोस्तों ये अनिवार्य है। दोस्तों यदि आपके पास हिली एरिया का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दोस्तों इसके बेसिस पे आपको पीएचटी से वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपकी हाइट कम है, आप हाइट में छूट लेना चाहते हैं और आपके पास हिली एरिया का सर्टिफिकेट नहीं है, और दोस्तों यदि आपके पास हिली एरिया सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपकी हाइट प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा, पीएचटी में पास हो जाएंगे। लेकिन वही दिक्कत है जिसकी हाइट कम है और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं है तो जाएं बनवाएं, सर्टिफिकेट बिल्कुल बना के ही लेके जाएं यदि आपकी हाइट कम है, चाहे दोस्तों वो अभी का हो चाहे पहले का हो, लेकिन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब दोस्तों एक भाई का कमेंट मेरे पास ये आया था कि सर मेरे को शॉर्ट हैंड लिखनी नहीं आती है तो क्या मैं जाऊं अपने स्किल टेस्ट देने के लिए, मैं सीख रहा हूं अभी। तो दोस्तों बात यह है कि आपको पता ही है नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि एक मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने हैं, यानी कि 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा और आपको 800 वर्ड अपने करेक्ट लिखने हैं अपने स्टैनो के स्किल टेस्ट में, जिसमें दोस्तों 5% आपकी मिस्टेक है, यानी कि आपके 40 जो मिस्टेक है आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि आप गलती करते हैं तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा अपने स्टैनो के स्किल टेस्ट के अंदर। अब दोस्तों जो स्पीड आप देख पा रहे हैं, एक मिनट में 80 वर्ड जो लिखेंगे, तो दोस्तों हम नॉर्मल जो अपने हाथ से लिखते हैं, नॉर्मल हैंड से, दोस्तों हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो यदि आपको स्टैनो नहीं आती है तो आपके पेपर जो डिक्टेशन वहाँ पर होगी दोस्तों मोस्टली छूट जाएगी पूरी, तो जब पूरी डिक्टेशन ही छूट जाएगी दोस्तों आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो जिसको स्किल टेस्ट आता है, जिसने प्रैक्टिस करी है दोस्तों, वही जाएं देने के लिए, वरना दोस्तों डिक्टेशन इतनी फास्ट बोली जाएगी कि उसको आप राइट डाउन दोस्तों नहीं कर पाएंगे, आपकी काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी।
अब दोस्तों जिसको आती है स्टेनो, प्रैक्टिस है, थोड़ी स्पीड कम है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिला जुला के लिख सकता है। तो बात यह है कि थोड़ा चीज़ें चल जाती है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि मेरे को बिल्कुल ही स्टेनो नहीं आती, थोड़ी बहुत मैं सीख रहा हूँ, 10% आती है, 20% आती है, तो दोस्तों फिर जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, तेज़ हो जाएंगी और आपकी डिक्टेशन पूरी छूट जाएगी। लेकिन मैंने पहले बता रखा है, यदि आपके दोस्तों स्टेनो अच्छी है तो आप बिल्कुल जाएँ और पेंसिल्स लेके जाएँ। मुझे बताया पेंसिल थोड़ी स्पीड कम आती है, लेकिन ये है कि कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लिख सकते हैं, बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर पेन से आप लिखेंगे तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, आप तो काट भी नहीं पाएंगे और चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों फिर क्या है वहाँ पे अगर कॉपी चेक होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ बात को ध्यान रखें, कुछ चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन दोस्तों स्किल टेस्ट को पास करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बस हमें स्किल टेस्ट पास करना है, चाहे किसी भी तरीके से पास करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों मेडिकल थोड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल में दोस्तों, जिस हिसाब से होता है, लेकिन फाइनली क्या है कुछ बच्चों की दोस्तों इसमें किस्मत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने भी दोस्तों देखा है और आपने भी देखा होगा, हमें लगता भी नहीं कि ये कैसे भर्ती होगा, वो भर्ती हो जाता है और हमें जिस पर पूरा भरोसा होता है कि तो मेडिकल आराम से निकाल देगा, दोस्तों वो मेडिकल में कई बार फेल हो जाता है। तो दोस्तों मेडिकल का प्रोसेस जो है काफ़ी कुछ हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि हमको कुछ नहीं है, फिर भी काफ़ी बार कुछ ना कुछ पॉइंट पे हम बाहर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये है कि बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा, पर यह कि दोस्तों थोड़ा टाइट मेडिकल हो रहा है, थोड़ा टफ मेडिकल लिया जा रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चों के कमेंट, तो ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन दोस्तों अब क्या करें कि इस तरह बार कई सेंटरों पे दोस्तों काफ़ी टफ मेडिकल चल रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है फर्दर प्रोसेस, लेकिन बिल्कुल भी आप हिम्मत रखें और पॉजिटिव नेचर से जाएं दोस्तों, अपना पॉजिटिव नेचर रखें ताकि दोस्तों कुछ जो गलतियां आपके अंदर हैं वो ज़्यादा निकल के बाहर ना आए, कुछ अपने से आप गलती ना करें। दोस्तों आज जो जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना पेपर देना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और स्टेनो का एग्जाम देखकर दोस्तों जरूर मेरे को बताएं कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या रिव्यू हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।